फ्रेंड्स आज हम डिस्कस करेंगे नो फ्रॉस्ट फ्रिज को जिसमें कि बहुत ज़्यादा आइस प्रॉब्लम जो है वो आ रही है और कूलिंग भी अच्छे से नहीं हो रही है तो ये है जी हमारे पास नेशनल का काफ़ी ज़्यादा पुराना चालीस साल पुराना फ्रिज है और फ्रीज़र है नो फ्रॉस्ट और आज भी बड़ी अच्छी हालत में है तो आज हम बताते हैं कि इसमें क्या मसला आया है कि बहुत ज़्यादा आइस जो है इसमें जमा हो रही है अब यहाँ पर जब हम इसके फ्रिज वाले कैबिनेट को देखते हैं तो देखें फ्रिज के नीचे बहुत ज़्यादा देखें यहाँ पे कैबिनेट में आइस जमा हुई हुई है और नो फ्रॉस्ट में तो आइस बिल्कुल भी नज़र नहीं आनी चाहिए तो ये देखें इस बात की निशानी है कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मसला है और आप देख सकते हैं कि मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि थर्मोस्टेट को जो घर वाले थे उन्होंने बिल्कुल वन पोजिशन पर ले गए थे यानी कि बिल्कुल लो कर दिया था लेकिन उसके बावजूद भी जो थी बर्फ़ जो है वो आ, इस फ्रिज वाले कैबिनेट में जमा हो रही है और ये देख सकते हैं कि फ्रिज कैबिनेट में ही जब मैंने ये इसके जो बॉक्स थे स्टोरेज बॉक्स इसको हटाया तो इसके नीचे देखें आप देख सकते हैं कि आइस जमा हुई हुई है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फ्रीज़र जो कि मुकम्मल तौर पे जो है वो भी चौक हो चुका है और जब हम इसके देखें ऊपर से कवर को हटाया है तो कवर के नीचे भी देखें मुकम्मल तौर पर जो इसका वेपरेटर है उस पर आइस आ चुकी है अब हम इसको खोल लेते हैं और इसके इसको भी सफाई करेंगे लेकिन सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि ये मसला जो है वो किस वजह से आया हुआ है अब यहाँ पे सबसे पहले हम जी जो रेफ्रिजरेटर है इसके बैक साइड पे आए हैं और देखें हमने इसके कंडेंसर को जब ऑब्ज़र्व किया तो ये कंडेंसर जी बेहद गंदा है और इतना गंदा है कि इसके अंदर सालों साल की जो है वो गंद पड़ा हुआ है और ये जो गंद है ये बहुत बड़े मसले का सबब बन सकता है तो देखें मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये देखें ये जो इसके अंदर रुई सी बन गई हुई है और मैं देखें आपको टेस्टर के साथ टेस्ट करवा देता हूँ तो देखें ये रुई जो है एक जगह अपनी अपनी जगह जम गई हुई है और ये कंडेंसर को कूल cool होने में जो है वो दुशारी पेश आती है और एयर सर्कुलेशन अच्छे से नहीं होने की वजह से ये जो है मसला आता है और देखें जो कंप्रेसर है फिर वो यहाँ हीट अप होने शुरू हो जाता है और कुछ पार्ट्स जो हैं ये यहाँ पे ख़राब होने के चांसेस मौजूद होते हैं देखें अभी भी ये बहुत ज़्यादा गर्म हो गया हुआ है अब यहाँ पर जो सबसे पहला फॉल्ट हमें नज़र आया जी जो है कि कंडेंसर इसका बहुत ज़्यादा गंदा है तो इस गंदे कंडेंसर को देखें हम सफाई कर रहे हैं ताकि इसका जो एक ये मसला है वो उसको हल किया जा सके क्योंकि जब कंडेंसर बहुत ज़्यादा गंदा होगा तो यहाँ पे कंप्रेसर ख़राब होने के और दूसरे पार्ट्स ख़राब होने के चांसेस मौजूद हैं तो इसकी हम सफाई कर रहे हैं और इसको सफाई करने के बाद फिर नेक्स्ट लेवल पर जाएंगे और नेक्स्ट प्रॉब्लम चेक करेंगे कि इसमें क्या आई थी लेकिन नेक्स्ट लेवल में जाने से पहले तमाम स्क्रूज़ खोलेंगे बारी बारी देखें तमाम स्क्रूज़ को खोल लेंगे हम और उसके बाद जो है इसकी जो कटेंसर है इसकी बैक साइड से भी यानी कि अंदर वाली साइड से भी इसकी सफाई करेंगे क्योंकि ऐसे जो ऊपर ऊपर से ये सफाई अच्छे से नहीं हो रही है देखें हमने मुकम्मल तौर पर इसको खोल लिया है और अब इसकी अंदर साइड से भी हम इसकी सफाई कर देंगे तो जो कि इसकी लाइफ को और बढ़ा देगा फ्रिज की और इस तरह से ये अच्छे से काम करना शुरू कर देगा अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके जो कडनसर वो मुकम्मल तौर पे साफ हो चुका है और शीशे की तरह साफ़ हो गया है और ये अब काफ़ी अर्से तक ऐसा कोई मसला नहीं देगा कि इसमें इस गंदगी की वजह से प्रॉब्लम आए बाकी अगर कोई मसला आ जाता है तो वो अलग बात है लेकिन आप देख सकते हैं कि इसका जो गंद है वो आप नीचे पड़ा हुआ है और ये सालों साल का गंद था जो हमने निकाल दिया है अब यहाँ पे जी इसकी दूसरी प्रॉब्लम को देखते हैं तो दूसरी प्रॉब्लम देख रहे हैं हम तो देखें जो डोर गैसकेट होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी भी फ्रिज हो चाहे वो डायरेक्ट कूल हो चाहे वो नो फ्रास्ट हो तो देखें अगर सील जो है वो अच्छे से बंद होगी तो ये फ्रिज जो है वो अच्छे से काम करेगा लेकिन अगर ये सील जो है वो किसी वजह से ख़राब हो चुकी है या फिर डोर अच्छे से बंद नहीं हो रहा है तो ये एक बहुत बड़ा मसला है फ्रीज़र के फ्रिज के लिए तो देखें मैं इसका ऊपर वाला डोर फ्रीज़र का खोल देता हूं और खोल के मैं आपको दिखाता हूं कि इसमें कितना गैप आ चुका है तो देखें जब हम इसको बिल्कुल नज़दीक जूम करते हैं तो देखें इसमें गैप है और काफ़ी ज़्यादा गैप है जिससे कि एयर सर्कुलेशन जो है वो अंदर जल्दी ठंडी नहीं होती है और जिसकी वजह से जो जो बाहर की हवा है वो नमी की सूरत में अंदर जमा होती जाती है और एक तो फ्रिज जो है वो कूलिंग भी अच्छे से नहीं करता है और कंप्रेसर जो है वो ज़्यादा टाइम तक चलता रहता है देखें इसके नीचे से भी देखते हैं तो नीचे वाला पोर्शन में भी गैप आ चुका है तो हमेशा डोर गैसकिट जो है वो आपकी अच्छी रहनी चाहिए और टूटी भी नहीं होनी चाहिए और डोर अच्छे से बंद भी होना चाहिए देखें यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ देखें यहाँ पर पूछें कुछ बदतर है अब फ्रिज की जो है वो तीसरी प्रॉब्लम की तरफ आ जाते हैं तो तीसरी प्रॉब्लम जब हमने चेक की तो यहाँ पर देखें बैक साइड पे जो एक डिफ्रॉस्ट टाइमर लगा हुआ है जो कि आपको कॉली बॉक्स में नजर आ रहा है अभी हम इसको खोल लेंगे और आपको खोल के दिखाते हैं कि होता कैसे है इसके अलावा इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं अब यहां पे देखें हमने जो टाइमर है उसको खोल लिया अब इसको इसके कवर से बाहर निकाल लेते हैं अब यहां पे देख सकते हैं कि ये टाइमर कुछ खराब सा लग रहा है मुझे और इसकी कॉइल जो है वो बहुत ज्यादा गर्म हुई हुई है इसके अलावा Uh, क्योंकि ये काम सही नहीं कर रहा है तो इसलिए हम इसको प्रॉपरली जो है वो टेस्ट कर लेंगे uh -huh. अब यहाँ पे इस टाइमर को हम प्रॉपरली टेस्ट करेंगे क्योंकि टाइमर को देखें यहाँ पे इलेक्ट्रिक तो आ रही है इसके अलावा हम इसके मुख्त टेस्ट करेंगे लेकिन यहाँ पे चूंकि हमारे पास इस वक्त टेस्टर मौजूद नहीं है चूंकि वो हम नहीं लेके आए साथ में लेकिन क्या करेंगे कि मुख्त टेस्ट करके तो इसको देखेंगे कि ये ठीक है कि नहीं क्योंकि इसका प्रॉपर ठीक होना ज़रूरी है अगर हम गलत पार्ट चेंज कर जाएंगे तो क्या होगा कि फ्रीज़र या फ्रिज जो है वो इसी तरह से आइस बनाता रहेगा और फिर से दोबारा कंप्लेन आएगी तो चले हम इसको वर्कशॉप में ही ले जाते हैं और वहाँ पे टेस्ट करके और अगर ये ख़राब हुआ तो फिर इसको चेंज कर देंगे अब यहाँ पर हम आपको बता देते हैं कि के टेस्टर से जो है वो कैसे टेस्ट किया जाता है उसकी ऑलरेडी हमने वीडियो अपलोड कर दी हुई है इसी तरह से इस टाइमर को भी हमने उसी टेस्टर से टेस्ट किया था तो ये जो है फॉल्टी है तो अब यहाँ पे हम इसको नए टाइमर के साथ चेंज कर देंगे अब यहाँ पे हमारे पास जी नया टाइमर आ चुका है और इसकी वायरिंग जो है वो डायग्राम वो भी हमने ऑलरेडी समझाई हुई है इसी वीडियो में जो मैंने इससे पहले आपको दिखाई तो वो उसको देख के तो आप सेम वायरिंग जो है वो आप कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर आपने ये ख्याल रखना है कि आपने वायर जो है वो निशान लगा के जाने हैं ताकि आपको पता हो कि कौन सी वायर क्या है क्योंकि यहाँ पे फिर आपको वरना इसको ढूंढना पड़ेगा और मुश्किल हो जाएगी आपके लिए अब यहाँ पे देख सकते हैं कि डिफ्रॉस्ट टाइमर चेंज करने के बाद हमने इसको डिफ्रॉस्ट पे लगाया तो इसकी काफी हद तक जो है वेपरेटर से बर्फ जो है वो खत्म हो चुकी है क्योंकि इसके हीटर्स ने अच्छे से काम करना शुरू कर दिया था अब देखें साइड से जो बर्फ़ है वो नहीं पिघली है तो उसको पिघलना भी बहुत जरूरी है अगर वो नहीं पिघलती तो इस तरह हम छोड़ जाते हैं तो ये बाद में भी फिर मसला कुछ बना सकती है इसलिए हम इसको प्रॉपरली जो है वो सबको पिघला देंगे और ख़त्म करके सफाई करने के बाद जो है इसको हम ऑन करेंगे फ्रिज को अब यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने जो है वो अच्छी से जितनी भी बर्फ थी साइडों से कानों कोनों कोनों से इसके अलावा जहाँ जहाँ मौजूद थी उसको हमने अच्छे से क्लीन कर दिया और वेपरेटर बिल्कुल इस टाइम फ्रेश हो गया हुआ है अब यहाँ पे एयर सर्कुलेशन जो है वो बहुत अच्छे से होगी लेकिन इसके अलावा भी आपने एक और काम करना है कि इसके जो वाटर ड्रेन सिस्टम है उसको भी साफ़ करना है क्योंकि उसके अंदर भी बर्फ़ जमी होगी और अगर वो बर्फ़ आपने नहीं निकाली और फ्रीजर को या फ्रिज को आपने स्टार्ट कर दिया तो फिर से जब पानी ड्रेन होगा तो वो फिर बाहर नहीं जा पाएगा जिसकी वजह से क्या होगा कि ये जो है वो सिस्टम काम नहीं करेगा देखें मैंने आपको जैसे कि ये ये वाली जगह है ये इसका ड्रेन सिस्टम है तो इसको आपने ज़रूर साफ़ कर लेना है ताकि पानी जो है वो आसानी से बाय ड्रेन हो सके अब ये फ्रिज तो बिल्कुल ठीक हो चुकी है लेकिन आपके सामने एक डिवाइस नजर आ रही है ये जी डिवाइस है इस फ्रिज को बचाने के लिए देखें यहाँ पे इसके जो रेड बटन है इसको प्रेस करेंगे तो ये दोबारा से जो है वो ट्रिप भी हो जाती है और दोबारा से इसके जो ग्रीन बटन है इसको दोबारा से प्रेस करना पड़ता है तो अगर किसी किस्म की शॉर्ट सर्किट आती है तो ये जो है ट्रिप हो जाता है तो हमेशा अपने होम अप्लाइंसिस के साथ जो है वो ये चीज़ें इस्तेमाल किया करें जिससे कि आप भी सेफ़ रहेंगे और ये इक्विपमेंट्स भी जो है वो सेफ रहेंगी और आपके साथ जो है उम्र भर काम करेंगी